अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अलीशा। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक स्पेशल सी एंड रेसिपी जो आपको बहुत ही पसंद आएगी, और अपने इस तरीके से आप इस रेसिपी को बना के अपने घर में अपनी रेसिपी के जायके में इजाफा कर सकते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें चाहिए, हमने ली है दाल जिसे कहते हैं लोबिया, वाइट कलर, एक पाव में हमने ली है ये दाल। उसके अलावा हमने लिए हैं 3 बड़े प्याज जिनको हमने स्लाइसेस में काट लिया है, 2 अदद हमने लिए हैं आलू जिनको हमने टुकड़ों में काट लिया है, 2 से 3 अदद हमने टमाटर लिए हैं जिनको हमने छोटा छोटा काट लिया है। उसके अलावा हमने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं जिनको हमने छोटा छोटा काट लिया है। उसके अलावा ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 2 टेबल स्पून। उसके अलावा हमने ये सब्ज़ धनिया लिया है जिसको हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे, और उसके अलावा हमने मेथी ली है 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून हमने सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर लिया है, और 1/2 टेबल स्पून हमने खुश्क धनिया लिया है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जाएंगे आज हमारी की इस रेसिपी में। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चले चलते हैं अब हम इसको बनाने की तरफ। और सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कढ़ाई में तकरीबन ये 2 बड़े चम्मच हमने ऑयल के डाले हैं, कुकिंग ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये इसमें ऐड किया है, जब ये थोड़ा सा हीटअप होगा तो फिर हम इसमें जो है अनियंस ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स अब हम इसमें ये हमारे जो अनियंस हम स्लाइसेस में काट के रखे थे वो ऐड कर देंगे, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अब मिक्स कर लिया है, तो जब तक ये हमारे गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते तब तक हम इनको फ्राई करेंगे, देन इनमें हम नेक्स्ट चीज़ें जो है ऐड करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो है अनियंस अब वो ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। ये देखें अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर जो है टोमेटो ऐड करेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब जो है अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करने लगे हैं जो तो हमने काट के रखी हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनको भी मिक्स कर लेंगे। ये सब कुछ अब हमने इसमें मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बारीक मसाला जार जो हमने रखे हुए हुए थे वो ऐड कर देंगे, और इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मेथी से हमारी रोज़मर्रा की हुई हांडियों में बहुत ही अच्छा खुशबू और टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर ऐड किया करें, और अगर आप चाहें तो इसमें अपनी मर्ज़ी से और मसाला ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें जो है दाल ऐड करेंगे जो हमने रखी हुई थी भिगो के, पूरा दिन हमने इसको भिगो के रखा था, फिर हमने इसको इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम जो है इसमें ये आलू ऐड कर देंगे, और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये अब हमने इसको जो है अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे ताकि जो है ये बिल्कुल अच्छी तरह रेडी हो जाए। तो अब आप टेस्ट करेंगे, ये देख सकते हैं व्यूअर्स आप कि हमारी जो दाल है वो अच्छी तरह भून चुकी है, क्योंकि इसका जो ऑयल है वो सारा निकल आया है, और ये बहुत ही अच्छा जो है लग रहा है कि ये बहुत अच्छी तैयार हुई है, एंड इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो अब हम इसमें जो है हल्दी पाउडर और वाटर ऐड करके तो इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि अच्छी तरह गल जाए। ये देखें अब हम इसमें जो है वाटर ऐड कर चुके हैं, अब हम इसको दम पे रख देंगे, ठीक है। ये देखें हमने इसको दम पे रख दिया है, अब 20 मिनट हम वेट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारी दाल और जो हमारे पोटैटो हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं, और अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे जो हमने काट के रखा हुआ था।
इसको अच्छी तरह अब हम मिक्स कर लेंगे और इसका हम फ्लेम ऑफ करके तो हम इसे सर्व करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो दाल है वो बहुत ही डिलीशियस तरीके से रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। हमारे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जो बेल आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा।